नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश एक बार फिर आप सबका मेरे इस YouTube चैनल नॉलेज सीकर्स हब में स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको कल रिलीज हुई बहुप्रतीक्षित फिल्म विक्रम का रिव्यू देने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे निवेदन करूंगा कि कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आगे और बेहतरीन वीडियोस के साथ आप सबका मनोरंजन कर सकूं। तो आगे बढ़ते हैं। विक्रम एक काफी अच्छी फिल्म है जिसमें एक्शन सीन्स की भरमार है, जिस पर निर्देशक लोकेश कनकराज के अचूक हस्ताक्षर है। पहले ऐसे हालात थे जब निर्देशक अपने मुख्य अभिनेताओं को खुश करने के लिए ऐसी फिल्में बना लेते थे जो मूल रूप से उनके सोच से अलग ही बन जाती थी। लेकिन अपने श्रेय के लिए लोकेश कनकराज ने इस चीज को अपनी फिल्म पे हावी होने नहीं दिया है। इस पे कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने कहानी को वैसे ही नैरेट किया है जैसे वो वास्तव में चाहते थे। कहानी हत्याओं की एक श्रृंखला के साथ शुरू होती है। प्रशिक्षित नकाबपोश लोगों का एक ग्रुप जो सिस्टम के खिलाफ लड़ने का दावा करता है, एक के बाद एक तीन लोगों को मार डालते हैं। मारे गए लोगों में सबसे पहला प्रभंजन यानी कालिदास जयराम है, जो कोकेन तैयार करने के लिए आवश्यक भारी मात्रा में कच्चे माल की जब्ती में सक्रिय रूप से शामिल एक पुलिस अधिकारी है। अगला व्यक्ति स्टीफन राज यानी हरीश पेराडी के रूप में पहचाना जाता है। और तीसरा कर्नन यानी कमल हसन है, जिसे प्रभंजन का दत्तक पिता माना जाता है। पुलिस प्रमुख यानी चेम्बन विनोद जोस को चिंतित करते हुए हत्याएं जल्द ही रुकती नहीं दिख रही है। वह नकाबपोश हत्यारों के गिरोह को ट्रैक और खत्म करने के लिए अमर यानी फहद फाजिल के नेतृत्व में एक विशेष ब्लैक ऑप्स टीम लाने का विकल्प चुनते हैं। ब्लैक ऑप्स टीम अपना काम शुरू करती है। तीन हत्याओं में से कर्नन की मौत ने अमर का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि अन्य दो सरकारी कर्मचारी थे। वह कर्नन की मृत्यु की सावधानी पूर्वक जाँच करना शुरू कर देता है। अंततः उनके आंखों के सामने बहुत सारी बातें आती। उसे पता चलता है कि कर्नन ने जानबूझकर खुद को एक महिलावादी शराबी और ड्रग एडिक्ट के रूप में केवल अपने आसपास के लोगों के रूप में प्रकट किया था, ताकि वह बिना किसी संदेह से बड़ी मछली के पीछे जा सके। आखिरकार उसे पता चलता है कि कर्नन वास्तव में विक्रम है, और संधानम यानी विजय सेतुपति, जो कि एक ड्रग एडिक्ट और एक ड्रग लॉर्ड है, उसके पीछे जा रहा है, जिसका एक बड़ा परिवार है जिसमें तीन पत्नियां और ठगों की एक सेना शामिल है। विक्रम संधानम के पीछे क्यों है? क्या विक्रम अभी भी जीवित है? वास्तव में विक्रम कौन है? क्या विक्रम संधानम को बेहतर बनाने में कामयाब होता है? अमर क्या करता है? विक्रम ऐसे ही कई सवालों के जवाब देता है, जिसमें और भी बहुत कुछ है। फिल्म एक एक्शन एंटरटेनर के रूप में काम करती है, लेकिन आपको प्रभावित या विस्मय में नहीं छोड़ती है, जो थोड़ा सा निराशाजनक है, यह देखते हुए कि इसमें कमल हसन, फहद फाजिल और विजय सेतुपति जैसे कई भारी भरकम कलाकार हैं, और फिल्म से उम्मीदें भी काफी अधिक थी। ज्यादातर एक्शन सीक्वेंस इंटेंस है, लेकिन सभी बातें इमोशनल कनेक्ट बनाने में विफल होते हैं। एक या दो सीक्वेंस जो कनेक्ट स्थापित कर पाते हैं, वह बड़े समय तक काम करते हैं। फिल्म का एक पहलू जो उसके पक्ष में काम नहीं करता है, वह है कहानी। पहले हाफ में जिस तरह से कहानी नरेट की गई है, उससे दर्शकों के लिए प्लॉट को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छी बात यह है कि फिल्म में इसके प्रमुख कलाकारों ने शानदार प्रदर्शन किया है। कमल हसन ने विक्रम की भूमिका निभाने का अच्छा काम किया है, जैसा कि विजय सेतुपति ने भी किया है, जो संधानम का किरदार निभा रहे हैं। संधानम का चरित्र चित्रण विजय सेतुपति के प्रदर्शन को और अधिक आकर्षक बनाता है। उदाहरण के लिए, माफिया डॉन अलग अलग परिस्थितियों के लिए अलग अलग ड्रग्स लेता है। अगर वह एक लड़ाई हार रहा हो तो उसको जीतने की जरूरत है, तो उसके लिए एक विशिष्ट ड्रग लेता है। अगर उसे अपनी जगह पर लगाए गए बम को ट्रैक करने के लिए अपनी इंद्रियों को सतर्क रहने की जरूरत है, तो वह उसके लिए दूसरा ड्रग लेता है। विजय सेतुपति बस इस भूमिका में रहस्य उद्घाटन करते हैं, लेकिन वो फहद फासिल ही है जो अमर के किरदार में ब्लैक ऑप्स टीम का नेतृत्व करते हुए एक शो स्टीलर का काम करते हैं। फिल्म उद्योग में कुछ सबसे शक्तिशाली कलाकारों के साथ स्क्रीन स्पेस साझा करने के बावजूद शार्प, स्मार्ट और तेज फहद काफी आसानी से सभी का ध्यान आकर्षित करते हैं। फिल्म में अनिरुद्ध द्वारा एक डिसेंट बैकग्राउंड स्कोर और गिरीश गंगाधरन द्वारा कुछ एक्सेप्शनल विजुअल्स सुनाई और दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर अगर इसे एक एक्शन एंटरटेनर के तौर पर देखा जाए, तो विक्रम आपको निराश नहीं करेगा। लेकिन एक्ट्रेस के पोटेंशियल को देखते हुए लगता है कि फिल्म और बेहतर हो सकता था। इस फिल्म को मैं 5 में से 3.5 स्टार देना चाहूँगा। तो आज आप सबसे यही पे इजाजत ले रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। कमेंट में जरूर लिखें ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह फिल्मी जगत की रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद और जय भारत।